हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल आपका नॉन स्टॉप 100 की जो सीरीज चल रही है, कैसा लग रहा है आपको पढ़ के? बहुत मज़ा आ रहा होगा ना। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 सीरीज को कवर किया दोस्तों, एक हिस्ट्री, एक जियोग्राफी और एक पॉलिटी। आज चौथी सीरीज पर हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। और मुझे पता है यार, कितना टफ सब्जेक्ट है सर, ना मुझे समझ में नहीं आता। आएगा आएगा समझ में, बिल्कुल परेशान मत होइए, आज भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आज से एग्जैक्ट 3 दिन बाद मैं आपके लिए इकोनॉमी शुरू करूंगा, इकोनॉमिक्स, जो कि हम लोग क्लास 9th की NCERT से स्टार्ट करेंगे। फिर आप ये मत कहिएगा सर 6th, 7th, 8th की भी इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि उस क्लास में इकोनॉमिक्स होती ही नहीं है। आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। यार बहुत बदमाशी हो जाता है, कभी कभी मैं भी बच्चा हो जाता हूँ। तो देखते हैं नॉन स्टॉप 100 की सीरीज में कौन कौन से क्वेश्चन आज हैं हमारे लिए, जो हमको हालत पंचर करने वाली हमारी। पहला प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? क्या इथियोपिया की कंडीशन इतनी ख़राब है कि इसकी तुलना किया जाता है कि भारत का इथियोपिया किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो भारत का इथियोपिया कहा जाता है मध्य प्रदेश को। किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत का इथियोपिया क्यों कहा गया है। देखिए, ऐसे राज्य जहाँ पर एक औसत से ज़्यादा कुपोषण देखने को मिले उसको इथियोपिया बोला जाता है। इथियोपिया में इस तरह कंडीशन बहुत ख़राब है, तो ये राज्य जो हमारे यहाँ, इसको भारत का इथियोपिया कहा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं बहुत अधिक कुपोषित हैं, जो उनको पोषक तत्व मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब बात अगर इथियोपिया की आई गई है तो दो लाइन इथियोपिया की बात भी कर लेते हैं। देखो, इथियोपिया की जो राजधानी है वो कहाँ पे है दोस्तों? उसकी राजधानी है आदिस अबाबा। पढ़ाया हूँ आपको ना, आदिस अबाबा। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरा बात है दोस्तों, जनसंख्या के मामले में अफ्रीका का नंबर 2 का देश है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसका नंबर आता है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। और अगर मैं बात कर दूँ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थल अवरुद्ध देश, क्या बोलूँ मैं, स्थल अवरुद्ध देश जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा हो, तो उस देश का नाम है दोस्तों इथियोपिया। क्या नाम है? इथियोपिया। पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, उसमें इथियोपिया जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, तो याद रखिए इथियोपिया के बारे में। बाकी हमारा उत्तर था मध्य प्रदेश, तो लगे हाथ मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 लाइन बात कर लेते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो वन का प्रतिशत है वो बहुत अधिक है, मतलब 30% वहाँ पे वन है। ठीक है, 30%। अन्य राज्यों की बात करेंगे तो कहीं पे 1/4 भी नहीं है, लेकिन इसके यहाँ 30% से अधिक जो है यहाँ पर वनों को संरक्षित किया गया, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 1 नवंबर 2000 को यहाँ से कुछ जिलों को काट करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। ये भी याद रखिएगा। वन क्षेत्रफल में अगर बात करें कि भारत का, तो याद रखिए भारत का 12.30% वन कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आपके अकेले MP में पाया जाता है। 12% वन कहाँ पाया जाता है? अकेले MP में पाया जाता है। इसके अलावा हीरे की खान वगैरह है यहाँ पर, और तांबे वगैरह की। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, कोयला वेला सब, बहुत बहुत सारे यहाँ खनिज हैं। और कुछ मामलों में अधिक है, मतलब नदियों के मामले में, पहाड़ों के मामले में, वनों के मामले, इन सब मामलों में मध्य प्रदेश जो है पूरे देश में सबसे नंबर 1 पे आता है। आगे देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? दोस्तों अगर आपको करना है आर्थिक विकास किसी भी देश का, तो वहाँ प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। यार संसाधन नहीं रहेगा, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो कैसे आप विकास करोगे? पूंजी निर्माण भी होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन भी होना चाहिए, मतलब बिना पूंजी का कुछ संभव है? और सब बना के क्या करोगे अगर बाजार ही नहीं होगा? तो बाजार का भी आकार होना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों तत्व दोस्तों जरूरी हैं आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का, उदारीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। बाकी आप लगा लीजिएगा आगे। तो ये इसका अग्रदूत किसे कहा गया दोस्तों? तो कहा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। ऐसा क्या हो गया था कि इनको अग्रदूत बना दिया गया उदारीकरण का? हुआ था दोस्तों कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 91 से 92 के दौरान, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, और उसके तहत हमारे देश की जो पुरानी व्यवस्था थी, जैसे लाइसेंसिंग और क्या LQ, लाइसेंसिंग, कोटा और परमिट। ठीक है, हमें कोई भी व्यापार करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती थी, हमें कोटा मिलता था सरकार से, और हमें परमिट के तहत काम करना पड़ता था। लेकिन मनमोहन सिंह ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत क्या किया, इस L को लिबरलाइजेशन कर दिया। ठीक है, उदार कर दिया, उदारीकरण बना दिया। Q को बदल दिया प्राइवेटाइजेशन में, निजीकरण ला दिया। इसके बाद से बहुत सारी निजी क्षेत्र की कंपनियाँ, बैंक, ये सारे खुलने शुरू हुए। और ये यहाँ पर जो परमिट था इसको बना दिया ग्लोबल
ग्लोबलाइजेशन में, मतलब कि कोई भी कंपनी कहीं भी अपना व्यवसाय कर सकती है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो। इसीलिए दोस्तों एलपीजी मॉडल लेके आया इन्होंने, इसीलिए इनको उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके बारे में आपको और अच्छी बातें बताता हूँ। 1991 से लेके दोस्तों 96 तक ये क्या थे, ये भारत सरकार के वित्त मंत्री रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे हैं। कब से? 91 से 96 तक। कौन था इस समय? तो याद रखो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंहा राव, ठीक है, पीवी नरसिंहा राव ने दोस्तों 1990 में इनको अपना आर्थिक सलाहकार भी बनाया था, अपना आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। इसके अलावा बहुत सारी अच्छाइयाँ इनके अंदर थी, जैसे इनकी एक व्यापार नीति के ऊपर एक किताब आई थी, बहुत फेमस किताब वो थी, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेंड ग्रोथ, ठीक है, बहुत अच्छी उनकी किताब थी इस व्यापार नीति के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा 1971 के दौरान ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के भी आर्थिक सलाहकार रह चुके थे, राजीव गांधी के सरकार में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे, इसके अलावा ये RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको UGC आप बोलते हो, उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। कितना सारा काम है, बहुत, मतलब बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आगे देखिए चौथा प्रश्न दे रहा है, ड्रेन का सिद्धांत यानी द वेल्थ ऑफ ड्रेन किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किया था दादा भाई नरोजी ने। एक्चुअली में था क्या द ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन था क्या? दोस्तों दादा भाई नरोजी ने सबसे पहले ये बात भारतीयों के सामने रखा कि जो अंग्रेज़ हैं ये हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करके हमारे ही धन को हमारे देश से बाहर लेके जा रहे हैं। इसी को बोला गया द थ्योरी ऑफ ड्रेन, हमारे संसाधन को बाहर ले जाते हैं, अपने यहाँ फिर से उसको नया रूप देकर फिर हमको महंगे दामों पर बेच देते हैं, ठीक है। तो ये जो बाहर जाने की चीज़ें थी ये कुछ ज़्यादा होती थी, हमारे देश में आती बहुत कम थी, ठीक है। तो इसको द थ्योरी ऑफ ड्रेन कहा गया, और इस बात को, इस थ्योरी को उन्होंने किताब में लिखा जिस किताब का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बहुत फेमस किताब थी, ठीक है। और इस किताब में इन्होंने द ड्रेन जो थ्योरी थी, ड्रेन थ्योरी को, इसको एविल ऑफ एविल कहा, एविल ऑफ एविल, एविल माने होता है बुराई, ठीक है, एविल ऑफ एविल। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि एविल ऑफ एविल किसे कहा गया, तो याद रखिए किसे कहा गया, द थ्योरी ऑफ ड्रेन को। इसका मतलब होता है दोस्तों सभी बुराइयों की बुराई, मतलब बुराई का भी बुराई था क्या आपका द ड्रेन ऑफ थ्योरी। और इतना ही नहीं, इन्होंने, इनका एक वाक्यांश भी बहुत फेमस था उस समय, इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार एक ऐसा स्पंज है, एक ऐसा सोखता है जो गंगा के पानी को सोख लेता है और टेम्स में ले जाकर निचोड़ देता है। टेम्स, टेम्स क्या है, लंदन जिसके किनारे बसा है उस नदी का नाम क्या है, टेम्स नदी, ठीक है। तो गंगा के पानी को निचोड़ कर टेम्स में डाल दे रहा है, मतलब क्या है कि हमारे भारत के पैसे को ले जाकर लंदन में विस्तारित कर रहा है। और ये बात में कतई तुकताल, मतलब गलत नहीं दिखता है कि जो ब्रिटेन का आज स्वरूप देखने को मिल रहा है, चाहे वो नगरीकरण हो, चाहे वहाँ का औद्योगिकरण हो, या उन लोगों का विकास हो, ठीक है, ये कहीं ना कहीं भारतीय रुपयों पर हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा रुपया बाहर गया, आज हमारी पोजीशन ख़राब हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन अच्छी कर ली। दादा भाई नरोजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। देखिए अगला प्रश्न उसी संबंधित है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? तो दादा भाई नरोजी ने किया था, और वही जो किताब थी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी किताब में सबसे पहले बताया कि 20 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय है, और ये उन्होंने बताया था 1868 में, ठीक है, 1868 में, ठीक है। हालांकि आज के समय में ये आकलन कौन करती है, ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करती है, तो अलग से एक एजेंसी बन गई है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका CSO हो गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। और ये बना कैसे था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसके बारे में जान लीजिए दोस्तों, 4 अगस्त की घटना थी, 4 अगस्त 1949 को एक कमेटी बना, राष्ट्रीय आय समिति, क्या बना, राष्ट्रीय आय समिति, किसकी अध्यक्षता में बना, तो PC महालनोबिस की अध्यक्षता में बना, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, राष्ट्रीय आय कमेटी, उसी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय को अनुमान लगाने का काम किया, और वो जो संस्था तैयार हुई उसके दौरान वो बना CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह की एक और भी संस्था है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्वे करती है और आंकड़े जुटाने का काम करती है, ठीक है।
हमारा जो वित्तीय वर्ष हो कितना है दोस्तों, तो याद रखें हमारा वित्तीय वर्ष है दोस्तों 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, ये हमारा वित्तीय वर्ष है, ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, CSO की स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई तो क्या बताएंगे आप, 2 मई 1951 को CSO की स्थापना हुई। और CSO हमारे देश का जो वार्षिक विवरण है जब वो जारी करता है तो वो श्वेत पत्र पर जारी करता है। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है कि भारत में कौन से पत्र पर उसका वार्षिक विवरण डाला जाता है, तो ऑप्शन था ग्रे पत्र, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इसी को बोलते हैं ना, व्हाइट पेपर, ठीक है। आगे देखिए, और बाकी योजना आयोग के बारे में आप जान ही रहे हैं, ठीक है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बता ही देता हूँ लगे हाथ। योजना आयोग के बारे में देखिए, योजना आयोग क्या है, इसको प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, हालांकि अब तो प्लानिंग कमीशन को समाप्त करके नीति आयोग आ चुका है, नीति आयोग, ठीक है। तो एन माने क्या होता है, एन माने होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ये दोस्तों 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने इसको चेंज किया, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इतना ही, ठीक है, योजना आयोग के बारे में। और बाकी योजना आयोग का काम क्या था, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, तो मतलब पंचवर्षीय योजना बनाता था। और पहला पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1951 में आया था, ठीक है, 55 तक चला, 56 में दूसरा आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। और एक 3 वर्षीय योजना भी चला था 1966 से लेकर के 69 तक दोस्तों, इसमें एक एक वर्ष की योजना चलाई गई थी, ठीक है, तो इसको 3 वर्षीय योजना कहा गया, ये भी याद रखेगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसी लगे हाथ आप RBI के बारे में भी जान लीजिए, नहीं बाद में कहेंगे सर नहीं पता। देखिए, अगर RBI के बारे में बताऊं तो सबसे पहले RBI जो एक्ट बना था दोस्तों, वो 1934 में बना था। लेकिन इसके भी पहले एक मैं घटना में आपको लेकर चलना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, बी आर अम्बेडकर जी ने का बड़ा भारी योगदान था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान था RBI की स्थापना में। कैसे, अंबेडकर जी ने अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ों की एक कमेटी थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है, RBI से संबंधित है, हिल्टन यंग कमेटी के सामने दोस्तों अपना प्रस्ताव रखा कि हमें इस तरह का एक जो है केंद्रीय बैंक बनाना चाहिए, ठीक है। और उसी समय B.R. अंबेडकर जी की एक बुक भी लॉन्च हुई थी जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपीज, क्या नाम था, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, इसके आगे थोड़ा सा और लगा दिया, इट ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, ये इनकी किताब का नाम था, ठीक है। और ये किताब बहुत ही चर्चित हुई, और इस किताब को पढ़ने के बाद जो अंग्रेज़ थे वो भी इनसे बड़ा प्रभावित हुए, और उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, हमें एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की ज़रूरत है जो सभी बैंकों पर नियंत्रण रख सके। तो इसी के दौरान फिर RBI एक्ट आया 1934 में, उसी के तहत RBI की स्थापना किया गया 1935 में। तो जो स्थापना हुआ है वो 35 में हुआ है, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ है, एक्ट जो था वो 34 में था, ठीक है, याद रखेगा। इसके कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उसी के तहत ये काम करता है। शुरू में जब बना दोस्तों तो इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था, और 2 साल बाद 1937 में मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया, कहाँ गए, मुंबई में। फिर तब से लेकर आज तक ये मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में। आगे चल के दोस्तों 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया, और फिर ये भारत सरकार के अधीन आ गया, ठीक है, ओके। और राष्ट्रीयकरण था 1949 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1949। अब तो समझ में आ गया होगा ना मैटर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है, सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो सबसे ज़्यादा योगदान है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र का। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, और हमारे GDP में जो इसका योगदान है वो 53.66% है, डेटा याद करिएगा। द्वितीयक क्षेत्र है उसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोला जाता है, और इसका योगदान हमारे जो GDP में हो 31% है। और ये प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित क्षेत्र आते हैं, काम आते हैं, और ये 17%, ठीक है। तो सोचिए कि हमारे यहाँ 17% योगदान जो है कृषि क्षेत्र से मिलता है, जबकि इस कृषि क्षेत्र में हमारे देश की 53% जनसंख्या लगी हुई है। 53% लग कर लोग कितना GDP बना रहे हैं, 17% GDP बना रहे हैं, कितना बुरी कंडीशन आ गया है। अगर मैं आपको आज़ादी के समय की कहानी बताऊं, 1950 से 55 के दौरान की कहानी बताऊं, तो उस समय जो GDP था वो कितना था, वो कृषि GDP में कृषि का योगदान कितना था, 55% था। और आज ये घटकर कितना हो गया है, आज ये घटकर 17% हो गया है। तो बहुत बुरी कंडीशन चल रही है कि नहीं, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आपको एशिया में बताऊं कि सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था किसकी एशिया में, तो नंबर 1 चीन है, नंबर 2 पे जापान है, और नंबर 3 पे आपका इंडिया है, भारत, ठीक है, याद रखिएगा, नंबर 3 पे भारत है। और यहीं पे मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि अलग अलग लोगों की GDP कितने रुपए की है, तो इंडिया की जो GDP है दोस्तों ये 2.26 ट्रिलियन डॉलर की है, ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। अगर मैं चाइना की GDP की बात करूँ तो इसका है 11.2 ट्रिलियन डॉलर। सोचो कहाँ 2.26 है, कहाँ 11.2 है, कितना बड़ा अंतर है ना।
तो ये है। और यहीं अगर मैं आपकी तुलना कर दूँ यूएसए अमेरिका से, तो याद रखो 18.57 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की है। उसके आगे हम नगड़े हैं। मान लो आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? दोस्तों अगर राष्ट्रीय आय आपको निकालनी है तो इसकी कुल तीन विधियाँ होती है। एक तो आपकी आय विधि है, दूसरा आपका व्यय विधि है, तीसरा आपका उत्पाद विधि है। तीन विधि से करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको बात कर रहा है आय विधि के बारे में। तो याद रखो आय विधि में आप क्या क्या काउंट करते हो, मजदूरी काउंट करते हो, अगर आपको कहीं से वेजेस मिला है, आपको कहीं से सैलरी मिला है, आपको कहीं से लगान वगैरह मिला है, लगान कह लो या फिर रेंट ले लो, किराया कह लो, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं से ब्याज मिला हो, आपको किसी तरह का लाभांश या लाभ मिला हो, इन सब को कहाँ शामिल किया जाता है? आय विधि में शामिल किया जाता है। तो याद रख लो किराया भी शामिल होगा, पेंशन भी सैलरी संबंधित होता है, मिश्रित आय किसी तरह का होगा सब शामिल होगा, लेकिन अवितरित आय शामिल नहीं होगा। अवितरित जब वितरित ही नहीं है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। आगे है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों मैंने वीडियो में सब पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है, इकोनॉमिक्स का वीडियो देखिए और आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया तो कम से कम मेरे 20 मिनट चले जाएंगे। तो ऐसे मैं शॉर्टकट में इसको बता दे रहा हूँ कि जीएनपी की गणना में दोस्तों डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया जाता, मूल्यह्रास को डेप्रिसिएशन बोला जाता है और इसको काउंट नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप एक अलग से रखिएगा, ठीक है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ की, इन दोनों की अगर एक साथ उपस्थिति हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों स्टैगफ्लेशन। कहानी समझिए क्या होता है। मुद्रास्फीति का उच्च दर मतलब होता है महंगाई बढ़ गया, महंगाई बहुत तेज़ी से आ गई, ठीक है। तो महंगाई एक तरफ है और एक तरफ बेरोजगारी है। दोस्तों अगर इस बेरोजगारी नहीं रहता, ठीक है, लोगों के पास रोजगार रहता तो रोजगार मतलब लोगों के पास पैसा रहता, फिर महंगाई बढ़े काहे नहीं, ठीक है। प्याज बढ़ के 100 रुपया किलो हो जाए, अगर आपके जेब में पैसा है तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोल 200 रुपया लीटर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास रोजगार है तो। लेकिन अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो 1 रुपया भी बढ़ जाएगा, 5 रुपया भी बढ़ जाएगा तो आपके लिए दिक्कत की विषय बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखें कभी भी अगर महंगाई उच्च दर में हो गई है और उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ गई तो इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं और ये किसी देश के लिए बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, बहुत खतरनाक। और हमारा देश इसी से जूझ रहा है, ओके। तो इसको याद रखिएगा। और मुद्रास्फीति समझ रहे हो कि महंगाई आती क्यों? तो महंगाई की आने की कई वजह है, ठीक है। जैसे एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो मार्केट में डिमांड ज़्यादा है किसी चीज़ की, ठीक है, और उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो अगर सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा पे करने की कोशिश करोगे। जिसके पास पैसे रहेगा वो ज़्यादा पे करेगा, तो ज़्यादा पे करना ही तो महंगाई है। अगर ज़्यादा पे हो रहा है तो वही क्या है? महंगाई है। और जो सप्लायर होगा वो भी अपने दाम को बढ़ा लेगा कि भाई देखो 100 रुपया का सामान मैं 120 में बेचूंगा, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो आ गई ना महंगाई, यही चीज़ें होती है। तो कई सारे कंडीशन होते हैं। अगला है रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण होना चाहिए? तो इसको जानने के लिए दोस्तों आपको कहानी समझनी पड़ेगी और वो कहानी शुरू होती है 1956 से। एक स्टेटमेंट देखेंगे 56 के पहले का, दूसरा देखेंगे 56 के बाद का, ठीक है। 56 के पहले की बात करें तो इस समय आरबीआई क्या फॉलो करती थी, कौन सी प्रणाली फॉलो करती थी? तो आनुपातिक कोष प्रणाली को फॉलो करती थी, आनुपातिक कोष प्रणाली। 1956 के बाद उसने अपना चेंज कर दिया व्यवस्था और न्यूनतम कोष प्रणाली को फॉलो करने लगा। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि आरबीआई जो है ये नोट निर्गमन के लिए कौन सी प्रणाली फॉलो करता है, तो आप गलत करके आ जाते हो, अनुपातिक और न्यूनतम। तो याद रखो अब न्यूनतम है, पहले अनुपातिक था 1956 के पहले। एक दशक कितना बड़ा टाइम बीत गया, पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, तो गलती मत किया करो। तो आनुपातिक प्रणाली उसमें क्या था? आनुपातिक प्रणाली को ए से इंडिकेट कर रहा हूँ और आपका न्यूनतम को मैं एन से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अनुपातिक में क्या था, इसमें नियम था कि 40% गोल्ड रखना है आरबीआई को अपने पास और 60% की प्रतिभूति रखना है, ये नियम था, ठीक है, अनुपात के रूप में, अनुपात यानी परसेंटेज के रूप में। लेकिन जब उन्होंने न्यूनतम बनाया तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया और सीधे आ गए 400 करोड़ रुपए के, ठीक है। इन्होंने कहा हम 400 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूति अपने पास रखेंगे और 115 करोड़ रुपए का सोना रखेंगे, ठीक है। लेकिन 1956 में बोल तो दिया 115 करोड़ का सोना, 400 करोड़ की प्रतिभूति, लेकिन ये संभव नहीं था। उन्होंने फिर अपना आंकड़ा चेंज किया, एक संशोधन किया 1957 में, ठीक, एक साल बाद 31 अक्टूबर को दोस्तों ये संशोधन हुआ। उस संशोधन में कहा गया कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया है, 115 करोड़ का गोल्ड आरबीआई अपने पास रखेगी, 85 करोड़ रुपया प्रतिभूति के लिए रखेगी, ठीक है,
विदेशी प्रतिभूतियों को अपने पास रखेगी, उसके बाद नोटों का निर्गमन करेगी, 85 करोड़ का प्रतिभूति और 15 करोड़ का सोना। तो RBI याद रखो, कभी भी नोट छापती है तो कम से कम इतना अपने पास रिजर्व करके रखती, उसके बाद ही नोट छापना शुरू करती है। दोस्तों ये 85 करोड़ की प्रतिभूति इसको रखना क्यों जरूरी है, अगर दूसरे देश, जैसे मान लो आप अमेरिका से कुछ सामान खरीद रहे हो, अब उसके बदले में आप उसको रुपया दोगे तो क्या करेगा लेके, वो क्या करेगा लेके आपके रुपये को, उसको रुपया से कोई मतलब, उसको डॉलर चाहिए जो उसके यहाँ चलता है। तो ये विदेशी प्रतिभूति कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ओके, आगे देखिए, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 115 करोड़। आगे है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, हिंदी में लिख दिया है, एक्चुअली ये बात कर रहा है नाबार्ड की। किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है नाबार्ड की। नाबार्ड बोले तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, नाबार्ड, ठीक है। तो याद रखें नाबार्ड की बात कर रहा है, और कह रहा है नाबार्ड किस की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो ये 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। क्यों, क्योंकि हमें पता है नाबार्ड की स्थापना किस सन में हुआ था दोस्तों, तो इसका स्थापना हुआ था 12 जुलाई, डेट भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। और 82 में क्या चल रहा था, 1980 से लेके 85 तक क्या चला आपका, 6वीं पंचवर्षीय योजना चला है। 1980 से लेकर 85 तक क्या चला है, 6वीं पंचवर्षीय योजना चला है, ठीक है, तो याद रखिए ये आपका। ओके, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में क्या आया है आपका, नाबार्ड आया है। हालांकि जो नाबार्ड के लिए एक्ट था, नाबार्ड एक्ट ये कब आया था दोस्तों, तो नाबार्ड एक्ट आया था दोस्तों ठीक एक साल पहले, जैसे RBI 35 में बनी थी, 34 में एक्ट आया था, उसी तरह से इसका भी क्या था, 82 में बना था और 81 में एक्ट आया था। कोई दिक्कत आपको, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1,00,000 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को बना चुका है, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा बैंक है जो 1,00,000 करोड़ का बाजार पूंजीकरण कर चुका है, उस बैंक का नाम है दोस्तों SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI के बारे में भी आप जान ही रहे होंगे, 1806 में दोस्तों सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था, किसकी, बैंक ऑफ कलकत्ता। 3 साल बाद इस बैंक को चार्टर मिला, उसके बाद इसका नाम बदलकर 1809 में क्या रख दिया गया, जब इसका पुनर्गठन हुआ तब इसका नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। पहले बैंक ऑफ कलकत्ता था, बाद में क्या बन गया, बैंक ऑफ बंगाल। आगे चल के दोस्तों 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना, और 1843 में क्या बना, बैंक ऑफ मैसूर बना, मैसूर बोलते मद्रास, ठीक है, मैसूर नहीं मद्रास, तो बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन सभी को ऐड करके दोस्तों 1921 में इंपीरियल बैंक बना दिया गया। क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक, ठीक है, इंपीरियल बैंक बना दिया गया। और आगे फिर इनको इसी इंपीरियल बैंक का नाम आगे चल के क्या बदल के रख दिया गया, 1 जुलाई 1944 को इसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक, SBI, ठीक है, स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों ये 1955 में हुआ, ठीक है, 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, SBI ने 1,00,000 करोड़ रुपये की पूंजी बाजार का निर्माण कर चुका है। आगे अगर मैं बात करूं ICICI बैंक, तो इसके बारे में भी जान लीजिए, ICICI, जल्दी जल्दी बता रहा हूं आपको, आई माने होता है, पहले फुल फॉर्म याद रखिए, इंडस्ट्रियल, सी फॉर क्रेडिट, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, वही जब आपका प्राइवेटाइजेशन आ गया, ठीक है, निजीकरण आ गया, उसी के दौरान जो है तमाम सारे बैंकों और कंपनियों की स्थापना हुई है, तो 94 में ये आए, ठीक है। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, और अगर ओवरऑल बात करोगे तो तीसरे नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। HDFC की बात करो दोस्तों, HDFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो H फॉर होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी भी स्थापना दोस्तों उसी समय हुई थी, 1994 में हुई थी, ठीक है। तो दोनों याद रखिए, इसको शॉर्टकट में हिंदी में क्या बोलते हैं, आवास विकास वित्त निगम, आवास विकास वित्त निगम। और PNB की बात करूंगा तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1894 में, और स्थापना किसने किया था, लाला लाजपत राय, और पहला खाता भी किसका खुला था, लाला लाजपत राय का ही खुला था। पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कहा जाता है PNB को। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो मुद्रा जारी करने का जो अधिकार है दोस्तों ये आपका रिजर्व बैंक का, लेकिन यहाँ लिखा है 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर। क्यों, क्योंकि इनको कौन जारी करता है, तो इनको भारत सरकार जारी करता है, और हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो उस पर हस्ताक्षर होते हैं, जो नोट होते हैं उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो RBI जारी करता है उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको यहाँ दोस्तों, भारत में 5,000 और 10,000 के नोट भी चला करते थे, कब, 1954 से 78 के दौरान, ठीक है, ठीक है। इतने बड़े नोट का लोग क्या करते थे, कुछ भी करते रहे, इससे क्या। और एक चीज़ और याद रखिए, पहले जो हमारे यहाँ सिक्का ढलता था, तो सिक्का के बाद नोट हमारे यहाँ कब से ढलना शुरू हुआ, तो 1917 से। क्यों ढलना शुरू हुआ था, इसके पीछे रीज़न जानिए। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका था,
और चांदी की कमी हो गई थी, ठीक है, और प्लस अंग्रेज भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने शॉर्टकट में क्या किया, उठा के नोटों का निर्गमन जारी कर दिया। तो 1917 में, ठीक है, नोटों का निर्गमन शुरू हुआ है, और इन नोटों पर जॉर्ज पंचम, जो आपके ब्रिटेन के हेड थे, राजा माने जाते थे, वो थे ही जॉर्ज पंचम, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, और 1926 तक इस तरह के नोट जो है चलते रहे, ठीक है, 1926 तक इस तरह के नोट चलते रहे, याद रहेगा। और अगर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल जाऊँ, रुपये के इतिहास के बारे में बताऊँ आपको, तो आपने नाम सुना होगा शेरशाह सूरी का, उसी ने सबसे पहले रुपया चलाया था, 1540 से 45 के दौरान उसका शासन रहा, ठीक है, और उसने जो चांदी का सिक्का जारी किया दोस्तों, उसी का नाम रुपया था, चांदी के सिक्के को ही रुपया कहा जाता था, 178 ग्रेन का था दोस्तों, 178 ग्रेन कहा जाता है, ग्राम नहीं, ग्रेन होता है, ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो याद रखें 11.534 ग्राम, उसका वेट कितना था, 11.534 ग्राम जो चांदी का था। इसके अलावा उसने तांबा का सिक्का भी निकाला था, तो तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था, और सोने का जो सिक्का निकाला था उसको मोहर कहा जाता था, क्या बोला जाता था, मोहर, चांदी के सिक्के को रुपया, तांबा के सिक्के को दाम, और सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था, ठीक है, तो ये सारा न्यूज़ जो है याद रखिए। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब की स्थापना किया, तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, RRB, ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में हुआ था, RRB की स्थापना, और जो एक्ट आया था संयोग से वो बाद में आया था, एक्ट जो RRB एक्ट आया दोस्तों वो 76 में, तो सामान्यतः जो एक्ट होता पहले बनता है और बाकी चीज़ें का स्थापना बाद में होती, लेकिन यहाँ उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 2012 में इसने दोस्तों किसान क्लब के निर्माण बनाया था, किसान क्लब, ठीक है, ताकि किसानों के पास आसानी से हम पहुंच सकें और किसान की हेल्प कर सकें, ओके। और RRB ने एक काम और भी किया था दोस्तों, प्रथमा बैंक बनाया था सबसे पहले, प्रथमा बैंक, आज भी आप प्रथमा बैंक देख सकते हो, मुरादाबाद वगैरह में है प्रथमा बैंक, ठीक है, और ये चीज़ स्टार्ट किया था। प्रथमा बैंक की जो अथोराइज कैपिटल थी वो 5 करोड़ थी स्टार्टिंग की, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 से अपना काम करना है शुरू किए। आगे देखें, बाकी स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, इसके बारे में आप जानते हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है, तो विदेशी विनिमय को स्वीकृति कौन देगा, RBI, क्यों, क्योंकि आयात कर रहे हो, आयात के दौरान जो भी एक्सचेंज होगा, फॉरेन एक्सचेंज होगा, उस पर सारा कंट्रोल कौन करता है, ये RBI करता है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी क्या हो गया था, थोड़ी देर पहले प्रॉब्लम हो गया था, मैंने वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों मेरा वीडियो यहीं पे स्टॉप हो गया था, तो आगे का वीडियो बन चुका है, तो इसको अभी जोड़ा जाएगा, इसके बाद आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, वीडियो रुक गया था, फिर से देखता हूँ, चलिए आगे देखते हैं। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो याद रखो दोस्तों बैंक खुद ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि बचत खातों पर कितना ब्याज दिया जाना है यह बैंकों की अपनी मर्जी है, अलग अलग बैंक अलग अलग जो है ब्याज देते हैं, तभी तो लोग उस पर आकर्षित होते हैं, तो ये लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ना तो RBI करेगा, ना तो ये करेंगे, मतलब वो खुद बैंक करते हैं, ठीक है, हालांकि उसको उनको पूछना पड़ता है, ठीक है, RBI से, लेकिन RBI का यहाँ कोई ऑप्शन भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है, देखो पहले तो आप सबके बारे में जान दो, चेक जैसे आ, तो आप चेक तो बना ही है यार किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए, बचत पत्र भी दे सकते हो, विनिमय बिल भी दे सकते हो, लेकिन ये सावधि जमा रसीद जो है इसको आप नहीं दे सकते हो। आखिर में सावधि जमा रसीद है क्या, सावधि जमा रसीद ये है क्या, तो याद रखो दोस्तों सावधि जमा रसीद, सावधि माने होता है फिक्स, जमा माने होता है, सावधि जमा रसीद सीधे सीधे हम FD को बोलते हैं, जो हमारा फिक्स डिपॉजिट होता है उसके दौरान जो हमें रसीद प्राप्त होता है वो होती है सावधि जमा रसीद। और ये फिक्स डिपॉजिट आप 7 दिन से लेकर के 10 वर्ष तक ले कर सकते हो, जब तक इसकी मेच्योरिटी पीरियड पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है आप इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते हो, अगर निकालोगे तो फिर वो जो ब्याज निर्धारित किया गया होगा उससे कम ब्याज आपको दिया जाएगा, तो ये रसीद किसी को आप दे नहीं सकते हो, ट्रांसफर कर दिए तो फिर उसका मतलब नहीं निकल, मतलब कर ही नहीं सकते हो ट्रांसफर, ठीक है, वो जिस व्यक्ति के नाम पर होगा उसी को प्राप्त होगा। आगे देखिए, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, सिक्कों की, तो सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत दोस्तों, तो वित्त मंत्रालय आपका अधिकृत है, क्योंकि RBI जो है नोटों का निर्माण करती है, सिक्कों का नहीं, 1 रुपये के नोट और सिक्के चाहे जितने तक के हो वो सबका सब कौन निर्माण करता है, तो वित्त मंत्रालय, और हस्ताक्षर जो अगर नोट है तो उस पर हस्ताक्षर किसका होगा, तो वित्त सचिव का होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार में कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है, तो दोस्तों शेयर बाजार के कार्य को कंट्रोल करने काम सेबी करती है, सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1992 में,
ठीक है, 1992 में कब हुआ था, 12 अप्रैल को इसका स्थापना किया था, 12 अप्रैल 1992 को, ठीक है। और ऑफिशियली देखिए अधिनियम जो बना है वो इस टाइम पे बना है, ठीक है, सेबी अधिनियम, लेकिन ऑफिशियली सेबी की स्थापना 1988 में ही हो चुकी थी। यहाँ से इसीलिए आप कन्फ्यूज होते हैं, तो कभी देखिए अगर सेबी के बारे में पूछ रहा है सेबी की स्थापना कब हुई, तो सही उत्तर आपका क्या है, 1988, क्योंकि 88 में स्थापना हो चुकी थी, वो अपना काम चालू कर चुका था। अधिनियम दोस्तों काफ़ी बाद में बना है, 1992 में वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाने की वजह से इसमें लेट लतीफ हुआ, ठीक है, और ये सारा आप याद रखिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे फेमा की बात किया है, तो फेमा के बारे में बता दूँ दोस्तों, आपने फेरा और फेमा मैंने पढ़ाया हूँ वीडियो बनाकर आपको, इकोनॉमिक्स का पता होगा आपको, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ पे फेरा और फेमा दो थे, इसको बोला जाता था, देखो फेरा और फेमा दो चीज़ थे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, ये बोला जाता था। और इसकी फेरा की स्थापना जो हुई थी दोस्तों ये 1973 में हुई थी, जबकि इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, ठीक है। इशू क्या था, इशू बना दोस्तों 1798 से 99 के बीच में, ठीक है, इस दौरान ये हुआ कि हम फेरा से फेरा को हटा करके उसके जगह फेमा को लाया गया, तो उसमें पूरा डिटेल से मैं आपको बताया हूँ ये किस वजह से किया गया था, ताकि उदारता आए और जो कंपनियाँ हैं उनको छूट मिले काम करने का, इसके लिए जो फेमा को लाया गया था, ठीक है। एमआरटीपी अधिनियम जो दे रहा है ये क्या होता है, तो एमआरटीपी, ठीक है, एमआरटीपी क्या होता है, याद रखिए, एम माने होता है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, ट्रेड प्रैक्टिसेस इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई थी, ठीक है, और बाद में इसको चेंज करके अब इसका स्थान ले लिया है कंपटीशन एक्ट ने, प्रतिस्पर्धा अधिनियम ने, जो कि सन 2002 में आया था, अब एमआरटीपी को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पे कौन आ गया है, कंपटीशन एक्ट 2002, ठीक है, तो उसके तहत काम होता है। जिस तरह से फेरा के बाद फेमा आ गया, उसी तरह से ये भी आया, ओके। चलिए आगे देखते हैं, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो देखो दोस्तों कि कह रहा है कि कभी भी अगर जो हमारा सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई है, अगर वो परिणात्मक उधार नियंत्रण का उपाय करना चाहती है तो इसमें से क्या गलत है। दोस्तों नैतिक दबाव बना सकती है, नैतिक दबाव करके किसी भी नियंत्रण कर सकते हैं कोई नहीं, ये गलत चीज़ है। बाकी नकदी रिजर्व अनुपात, बैंक रेट और जो नीतियाँ हैं, खुले बाजार प्रचलन, इन सभी माध्यम से करेंगे, लेकिन नैतिक दबाव ये कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है, संख्या नहीं यहाँ पे संस्था होगा, कौन सी संस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है, तो नाबार्ड, ये अभी हम पीछे ही पढ़े थे नाबार्ड, ठीक है, याद रखें नाबार्ड। इसके अलावा ICICI के बारे में भी मैं आपको बता दिया, और IDBI ये आपके लिए नया है थोड़ा सा, IDBI तो फुल फॉर्म जारी है, आई फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रियल, डी फॉर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, और IDBI याद रखिए, ओके, बेसिकली जो है औद्योगिक क्षेत्र में ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का काम कौन करती है, इसका नाम ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो इंडस्ट्रियों यानी औद्योगिक विकास के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है कौन करता है, तो आपको IDBI करता है, ठीक है। इसी तरह से जो SIDBI है इसका फुल फॉर्म क्या है, यस माने होता है स्मॉल, एस माने क्या होता है स्मॉल, आई माने इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब यहाँ स्मॉल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, मतलब जो सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है, जो आपके लघु उद्योग हैं, जो आपके मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, इन सभी को लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो ये SIDBI करता है। SIDBI का स्थापना दोस्तों 2 अप्रैल 1990 में हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में, कई बार पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और हो सकता है कि आप लोग इस पर कमेंट करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर बात मैंगनीज की आई है तो मैंगनीज किस अयस्क से प्राप्त होता है, पहले तो आप ये जान लो, तो मैं आपको पढ़ाया हूँ पायरोलुसाइट, क्या बताया हूँ, पायरोलुसाइट, ये एक अयस्क है जिससे जो है मैंगनीज की प्राप्ति होती है, ये चलो अलग बात है। हमसे यहाँ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो याद रखिए आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कौन, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश। अब एक चीज़ आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह पे कर्नाटक देगा, लेकिन जो कर्नाटक देता है वो भंडार के लिए देता है, ठीक है, फिलहाल जो नया डेटा है वो ये है कि भंडार के मामले में भी दोस्तों उड़ीसा नंबर एक पर है, मैंगनीज के भंडार के मामले में उड़ीसा नंबर एक पे है। उड़ीसा में एक जगह है कालाहांडी, कालाहांडी क्योंझर, यहाँ पे जो है आपके मैंगनीज का उत्पादन होता है, और जो कर्नाटक था उसका सदरहल्ली, सीमोगा, ये सारे एरिया में जो है आपके मैंगनीज मिलते हैं,
ठीक है, याद रहेगा आपको। अच्छा एक चीज़, अगर एमपी की बात आ गई तो एमपी से दो तीन प्रश्न अक्सर करके एग्जाम में बनता मैं देखा हूँ। जैसे एमपी मध्य प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना कब की गई, तो भारत चाइना युद्ध के समय 1962 में खनिज निगम की स्थापना हुई थी। एक और पूछता है पहली खनिज नीति कब आई थी, पहली खनिज नीति तो ये दोस्तों ये 1995 में आया था, और दूसरी खनिज नीति कब आई थी तो ये 2010 में आया था। ये तीन प्रश्न दोस्तों बहुत तेज़ी से एमपी में पूछा जाता है, याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर विश्व में बात करोगे तो विश्व में पहले नंबर पे चीन है जो सबसे ज़्यादा जो है मैंगनीज का उत्पादन करता है। मैंगनीज मानव शरीर में भी चाहिए होता है लेकिन बहुत जहरीला होता है, अगर आवश्यकता से अधिक ले लिया तो। पढ़ाए ना आपको, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है, तांबा का सबसे बड़ा भंडार बताइए। देखो अगर रिजर्व की बात करें, भंडार मतलब रिजर्व की बात करें, तो रिजर्व की बात करेंगे दोस्तों सबसे ज़्यादा बड़ा भंडार है उड़ीसा के पास। अब उड़ीसा तो ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक भी ऑप्शन में नहीं है, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका मध्य प्रदेश है वो भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे, सॉरी मेरी गलती हो गई, ये तांबा पूछ रहा है, मेरे दिमाग में मैग्नीज चल रहा है, मेरे दिमाग में मैग्नीज चल रहा है। मैग्नीज के मामले में दोस्तों सबसे बड़ा जो है उड़ीसा है, कर्नाटक है, फिर एमपी है। तांबा पूछ रहा है ना, कॉपर तो कॉपर के मामले में जो रिजर्व है वो सबसे बड़ा रिजर्व दोस्तों राजस्थान के पास है। किसके पास है सबसे बड़ा रिजर्व, किसके पास है, राजस्थान के पास है। दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे आपका झारखंड है, तीसरे नंबर पे झारखंड है रिजर्व के मामले में, मतलब किसके पास ज़्यादा है। अगर यहीं आपसे पूछता कि भंडार की जगह उत्पादन लिख देता कि तांबे के उत्पादन में कौन आगे है, तो याद रखो उत्पादन में एमपी राजस्थान को पीछे कर देता है, समझ रहे हो। तो एमपी पहले पे आ जाता है, राजस्थान दूसरे पे आ जाता है, और झारखंड तीसरे पे अपना बना रहता है। तो ये प्रश्न आप एकदम याद कर लो। देखो तांबा मैग्नीज लोहा कोयला ये चार छः आप याद रखो, यही आपके एग्जाम में पूछता है, बहुत कठिन नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछता है, याद रहेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयले की सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में पाया जाता है। लिग्नाइट जो कोयला है ये तमिलनाडु में पाया जाता है, और सबसे निकृष्ट कोटि का कोयला है, सबसे ख़राब कोयला जो होता है वो क्या होता है, लिग्नाइट होता है। कोयले में तीन होता है, जो सबसे अच्छा कोयला है वो उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। दूसरे नंबर पर बीटूमिनस, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका मीनस, ठीक है, और तीसरे नंबर पर आपका लिग्नाइट है, तो याद रखिए इसको। और अगर मैं उत्पादन की बात करूं दोस्तों अपने देश में कि हमारे यहाँ कोयले के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है, तो सबसे पहला स्थान दोस्तों छत्तीसगढ़ का है, ऐसे लिख रहा हूँ, 36 याद रखो, 36, और उसके बाद कौन है कोयले के उत्पादन, फिर झारखंड है, और फिर तीसरे नंबर पर उड़ीसा है, ठीक है, कोयले के उत्पादन में। देश की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा कोयला जो है चाइना में है, फिर USA है, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, इंडिया तीसरे नंबर पर है, कोई दिक्कत आपको। भंडार के मामले में बात करूंगा, अगर भंडार की बात करूंगा तो झारखंड पहले पे है, उड़ीसा दूसरे पे है, और छत्तीसगढ़ तीसरे पर। सोचो छत्तीसगढ़ में भंडार के मामले में तीसरे नंबर पे रहने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोयला का, ठीक है, याद रहेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, ताप विद्युत, ठीक है, तो ताप विद्युत के लिए एक संस्था भी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में किया गया था, और पूरे देश में कई जगह पे विद्यमान है। तो जो सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करता है वो महाराष्ट्र करता है। अब महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में कोरडी जगह है, चंद्रपुर है, नासिक है, ट्रांबे है, ठीक है, इन सब जगहों पर जो है आपके ताप विद्युत परियोजना लगी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा दोस्तों तो उत्तर प्रदेश में परीक्षा हो गया, रिहंद हो गया, पनकी, दादरी, औरैया, ओबरा, ठीक है, ये सारे जगह आपके यूपी में है। एमपी की बात करूं तो सिगरौली हो गया, सतपुड़ा हो गया, बहुत सारे जगह हैं, आप एक याद रखो। भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने USA के साथ जो है करार किया था, तो बताइए, परमाणु पावर का विकास करने के लिए USA के साथ क्या क्या था, करार किया था, ठीक है, परमाणु पावर। चलिए आगे देखिए, विस्तृत परमाणु ऊर्जा के लिए संधि किससे किया गया, आपके अमेरिका से किया गया। निम्न में से लघु उद्योगों की समस्याएं क्या क्या हैं, तो लघु उद्योग की समस्या पढ़िए, पूंजी का अभाव, जाहिर सी बात है होता है, इसीलिए लघु उद्योग बहुत पिछड़ा है। विपणन की जानकारी का अभाव, इनको मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। कच्चे माल का अभाव, यानी इनमें से सभी, ठीक है, ये सारा अभाव के कारण जो है लघु उद्योग पीछे है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में काम करता है, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था SIDBI के बारे में, SIDBI का स्थापना कब हुई थी भूल गए, हवा में रहते हो तुम लोग, यहाँ देखो यार 1990, 2 अप्रैल 1990, बार बार रटो, इसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ, ठीक है, तो याद रखो इसको। आगे देखते हैं कहाँ चला गया भाई,
बाकी ICICI बताई दिया हूँ, नाबार्ड बताई दिया हूँ आपको। आगे देखिए, बोकारो स्टील प्लांट के सहयोग किसके सहयोग से स्थापित किया गया, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। तो बोकारो जो प्लांट है, पहले बोकारो के बारे में जान लो। बोकारो दोस्तों झारखंड में है। बोकारो कहाँ पर है? झारखंड में, ठीक है। और इसके बारे में ये है, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज और है, क्या बताऊँ, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, कि बोकारो जो है किसके उससे बनाया गया है, क्या लिखा है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, तो रूस के सहयोग से, बोकारो रूस, बोकारो रो रो रूस, तो याद रखो बोकारो रो से रूस बना लो, ठीक है। बोकारो किससे बनाया गया है, बोकारो रूस, ठीक है, रूस के सहयोग से जो है बोकारो की स्थापना हुई है। इसके अलावा दोस्तों दो तीन है, एक बार में आप तीनों बता दे रहा हूँ यार, बार बार अभी पूछेगा कहीं पे, जैसे दुर्गापुर में है, ठीक है, दुर्गापुर में स्टील प्लांट है, तो इसको याद रखें, दुर्गापुर वाला जो प्लांट है ये ब्रिटेन की सहायता से बना है, किसकी सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है दुर्गापुर। इसके बाद आपका जगह एक है राउरकेला, राउरकेला ये आपके उड़ीसा में है राउरकेला, ठीक है, इसको जर्मनी ने बनाया है, जर्मनी के सहयोग से बनाया है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, ब्रिटेन को याद रखो, दुर्गापुर कैसे याद रखोगे, ब्रिटेन से, तो दुर्गा माता को याद कर लो, ठीक है, और जिस तरह से उन्होंने संहार किया उसी तरह से ब्रिटेन का संहार हम लोगों ने किया, तो ऐसे करके कुछ बना लो ट्रिक, ठीक है। और राउरकेला आपका क्या हो गया, जर्मनी, ठीक है, हिटलर ने सबको केला दे दिया, ऐसे याद कर लो। और भिलाई आपका क्या हो जाएगा, भिलाई और बोकारो दोनों रूस के साथ हैं, ठीक है, भिलाई और बोकारो ये दोनों क्या हैं, रूस के साथ हैं, ठीक है, तो ये सब याद रखिए। भिलाई कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों में से कोयला क्षेत्र से काफ़ी दूर कौन सा स्थित है, तो बोकारो भी कोयला क्षेत्र के, बोकारो के आसपास, तो इतना कोयला जिसकी पूछने वाली बात नहीं, बोकारो कुल्टी दुर्गापुर ये सब एकदम झारखंड के आसपास क्षेत्र में है, और पर्याप्त कोयला, मतलब झारखंड वहीं है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, इन तीनों से घिरे हुए हैं सब, ठीक है, तो कोयला की कोई कमी ही नहीं इन इस्पात केंद्रों को। लेकिन जो भद्रावती इस्पात केंद्र है दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है, और बाबा बुदन की पहाड़ी के पास से वहाँ से लोहा इस्पात लेके आया जाता है और इसको बनाया जाता है। इसका नाम दोस्तों अभी बदल दिया गया है, ठीक है, विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया रखा गया, विश्वेश्वरैया दशिवा से बिलोंग करते, तो मैंने बताया था आपको मोचगुंडम विश्वेश्वरैया, वही विश्वेश्वरैया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कर दिया गया। और यहाँ से कोयला क्षेत्र बहुत दूर है, कोयला क्षेत्र बहुत दूर है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है, फुटलूज उद्योग होता क्या है, कभी सुना होगा तब तो बताऊंगा फुटलूज उद्योग क्या होता है। देखो, फुटलूज उद्योग उस उद्योग कहते हैं जहां पर कच्चे माल चाहे स्रोत से कितने भी दूर हों लेकिन उनको कोई फर्क ना पड़ता हो, कच्चा माल कहीं से भी बन के आए, कितना भी दूर से आए, उनके उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फुटलूज उद्योग। अब इसका उदाहरण क्या है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के लिए बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो विदेशों से आयात करना है, जब हमको विदेशों से मंगाना है तो चाहे हम जापान से मंगाएं चाहे हम चाइना से मंगाएं, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए, फुटलूज उद्योग का उदाहरण क्या है आपका, सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाना। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है, पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा केंद्र दोस्तों ये जामनगर में, जामनगर पड़ता है गुजरात में, ठीक है। और नून माटी, नून माटी आपका गुवाहाटी में दोस्तों, नून माटी आपका गुवाहाटी में, और यहाँ पर जो है रिफाइनरी सेंटर भी लगाया गया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा रिफाइनरी सेंटर भी लगाया गया है। और बाकी आपका अंकलेश्वर पूछ रहा है, तो अंकलेश्वर भी आपको पता होगा, ठीक है, तो ये सब याद रखिए, नून माटी गुवाहाटी, ये गुजरात हो गया, ट्रांबे मुंबई हो गया, ठीक है, तो ये सब याद रखिए। आगे देखिए, ट्रांबे में भी हमने देखा, ऊपर पीछे पढ़ा था हमने, ट्रांबे में क्या था, ताप विद्युत गृह। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है, किसकी दृष्टि से यह आवश्यक है, तो दोस्तों अगर ज़्यादा से ज़्यादा लघु और कुटीर उद्योग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन भी होगा, है कि नहीं, रोजगार सृजन के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है, वो कौन सा केंद्र है जहाँ पर उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग भी विकसित हुआ है, आपको बताना है, ठीक है, तो याद रखिए राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से बना था, मैंने बताया जर्मनी को केला दे दिया, तो याद रखो राउरकेला, यहाँ पर जो है उर्वरक कारखाना भी है और इस्पात उद्योग भी है, दोनों है, याद रहेगा आपको। अच्छा, आगे बता रहा है दोस्तों गोरखपुर, तो गोरखपुर में उर्वरक कारखाना तो है लेकिन इस्पात उद्योग नहीं है। नेवेली, नेवेली दोस्तों तमिलनाडु में पड़ता है जहाँ पर लिग्नाइट पाया जाता है, पीछे पढ़ा था हमने ना तमिलनाडु में लिग्नाइट, तो वो नेवेली में पाया जाता है। नहरकटिया, नहरकटिया दोस्तों असम में पड़ता है और यहाँ पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार पाए गए हैं और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, इंडियन ऑयल लिमिटेड का जो है यहाँ पर एक कंपनी भी बैठी हुई है, ठीक है, नहरकटिया असम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक बन गया है, तो आप याद रखिए महाराष्ट्र, चीनी और गन्ना में ये आगे जा चुका है महाराष्ट्र, बाकी एक बार आप नेट पे चेक करके कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की बात कर रहा है तो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है,
कोई दिक्कत आपको? टीसीएस की स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी, ये टाटा समूह का ही एक ग्रुप है, ठीक है। आगे देखिए भिलाई इस्पंत, भिलाई ई ई से बोला था, भिलाई और बोकारो रोफा रूस, ये दोनों किसके सहयोग से बने हैं? तो रूस के सहयोग से बने हैं। फिलहाल आप देख ही रहे हो, बता ही दोगे, ठीक है। आगे देखिए भिलाई रूस, बोकारो रूस। सरकरा फैक्ट्रियों, कैक्टरियों नहीं, फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो यार सबसे ज़्यादा जो गन्ना है उत्पादन यहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में, तो यहीं पर जो है सरकरा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ठीक है, जब हरित क्रांति आया तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो गेहूँ के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, क्योंकि उसी की जो है फिर उत्पादन बढ़ गया था गेहूँ का। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली फसलों का या बीजों का, ठीक है, कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था दोस्तों 1966 में। कब शुरू किया गया था? 1966 में, अधिक उपज, ठीक है। तो छक्का छक्का छक्का, सब छक्का ही मार रहा है, तो ऐसे याद कर लो, 66, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में दोस्तों MS स्वामीनाथन को कहा जाता है हरित क्रांति का जनक, जबकि अगर वर्ल्ड वाइड पूछे आपसे तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, ये अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे तब, ठीक है। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य का नाम तो सुना ही होगा कि कम से कम इतना आपको पे करना पड़ेगा किसानों को, ये तो सुना ही होगा। तो वो समर्थन मूल्य की घोषणा कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है उसकी घोषणा करता है। कोई दिक्कत आपको? याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा यार चावल है। सबसे ज़्यादा क्या है? चावल, डी नहीं यार, बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सा फसल बोया जाता है हमारे यहाँ? चावल। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ है? गलती मत करिएगा, कृषि अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों वो नई दिल्ली में है, पहले ये बिहार में था, ठीक है। और उस किस बिल्डिंग में था? जिस बिल्डिंग में था उसका नाम था पूसा संस्थान, तो अभी ये दिल्ली शिफ्ट हो गया और बिल्डिंग का नाम आज भी पूसा संस्थान है, पहले बिहार के पूसा में था, पूसा जगह का नाम था। लेकिन यहाँ पर देखिए, याद रखिए, कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में है। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो देहरादून, ठीक है, याद रखिएगा। क्या प्रबंधन अकादमी कहाँ पर? हैदराबाद। आगे देखिए, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो सबसे न्यूनतम समर्थन की बात कहाँ आती है? जो कृषि उत्पाद रहते हैं, जैसे आपका क्या होगा, गेहूं, चावल, दाल, गन्ना, ये सब, यही सब के लिए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। अब औद्योगिक उत्पाद और भैंसज उत्पादों के लिए नहीं होता है ये सब। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती होती है? तो ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है, आपको उत्तर पता होगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद और मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? तो याद रखिए, जायद फसल कौन सी? आपकी मूंग है और उड़द है। जायद फसलों की खासियत होती है कि इन्हें तेज गर्मी और शुष्क मौसम में जो है इनको उगाया जाता है, जैसे मार्च और अप्रैल के समय में, ठीक है। और इस समय में दोस्तों और भी बोया जाता है, जैसे करेला होता है, बाकी आपका तरबूजा, खरबूजा, ये सब इसी समय होता है। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण संभव नहीं है? तो आज ही हम लोगों ने NCERT कवर किया और ये आज का ही प्रश्न है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि यंत्रीकरण भारत में क्यों संभव नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो जोत है वो छोटे छोटे हैं, मतलब खेत के छोटे छोटे हिस्से हैं, इसलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। बड़े जोत होते तो यंत्रीकरण का इस्तेमाल किया जा सकता था। किसान क्लब की स्थापना किसने किया था? पीछे हम पढ़ चुके हैं, RRB ने किया था। RRB की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में, ठीक है। हालांकि एक्ट कब आया था? तो एक साल बाद आया था, 76 में। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? मतलब हम क्या बेचते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है हमको? बासमती चावल, यहाँ जो ऑप्शन है उसी में से चूज कर रहे हैं, ठीक है, बासमती चावल, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसके पास है? तो ये जापान के पास है। देखिए, जापान और चीन, ये इन दोनों में हमेशा कंपटीशन होता रहता है, कभी जापान आगे रहता है, कभी चीन आगे रहता है। तो पता चला आज मैं आपको जापान पढ़ा दिया, कल को चीन और तेज चलने वाली रेलगाड़ी बना दिया तो चीन आगे हो जाएगा। तो ये आप करेंट अफेयर्स में देखा करिए। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पे जो दे रहा है उसमें से कोलकाता और हजीरा की लंबाई सबसे अधिक है, क्योंकि ये बात कर रहा है NH6 की। ये कौन सा NH है? NH6 है दोस्तों। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग तो राजमार्ग तो क्या है? NH7 है, लेकिन यहाँ पे दिया ही नहीं है, वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है। उसके बाद आता है किसका नंबर? ये कोलकाता से हजीरा का नंबर आता है। हजीरा दोस्तों कहाँ पर है बताइए? पता ही नहीं, रामायण सुन लिए, सीता का पता नहीं। गुजरात में है हजीरा, कहाँ पे? गुजरात में, याद रखिए, गुजरात में है, ठीक है। और कुल इसकी जो दूरी है ये कोलकाता वाले मार्ग की, इसकी दूरी कितनी है? तो 1949 किलोमीटर, ठीक है। और जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, वो कितना है? तो वो है 2169 किलोमीटर,
ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है कलकत्ता से चेन्नई जाता है NH5, ठीक है, ये सब याद रखिए। अंतःस्थली जलमार्ग के रूप में कौन सी नदी प्रयोग की जाती, करय गंगा। हम तो कभी जहाज चलते नहीं देखें, हम तो कभी नाव चलते नहीं देखें यहाँ पर कि कभी अंतःस्थली इस्तेमाल किया जा रहा हो, गंगा आप याद कर लो फिलहाल, ठीक है। लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी दोस्तों ये राजस्थान में कहीं बहते बहते जाती है, उसके रेत में समा जाती है, कहीं गिरती नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी देखिए, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया, तो इलाहाबाद से हल्दिया, ये तो बहुत पुराना प्रश्न है, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को सबसे अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, तो वह कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स ये ठीक है कंपनियों पर लगाया जाता है, निगम कर, इससे सबसे ज़्यादा सरकार को आय होती है डायरेक्ट टैक्स के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, ठीक है, केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, तो कृषि आयकर, एक्चुअली में कृषि आयकर होता ही नहीं है, क्योंकि जो कृषि इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है, कुछ पैसे तक एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, बाकी जो है वो राजस्व का स्रोत है केंद्र सरकार के। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, तो राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जो है वो सबसे बड़ा होता है, फिजिकल डेफिसिट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, ये पढ़ाए हूँ मैं आपको, फिजिकल डेफिसिट बहुत अच्छे से कवर किया हूँ, जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं जाके वीडियो देखें मेरा, जितने भी 2, 4, 6, 10 जितने भी हैं उतना ही पर्याप्त है आपके लिए, और भी पढ़ाऊँगा आगे। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक न पारित हो सका तो सरकारी व्यय कैसे किया जाएगा, तो लेखानुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान पढ़ाया था हमने आपको, ठीक है, पॉल्टी में, तो उसके माध्यम से क्या होगा, वहाँ से पैसे निकाल लिया जाएगा, बाद में जो है इसको पारित कराया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, भारत सरकार दोस्तों मार्ग कर, रोड टैक्स नहीं लगाता, ये काम किसका है, इस पर ध्यान रखना काम, निगरानी रखने का काम राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए गलती करोगे पक्का, मुझे पता है आपको लगेगा CSO करेगा, ना ना ना, आर्थिक सर्वेक्षण दोस्तों वित्त मंत्रालय करता है, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आती है हर साल, ठीक है, बजट के ठीक पहले, वो कौन जारी करता है, आपका वित्त मंत्रालय जारी करता है, गलती मत करना, नहीं करना प्लीज़ यार, बुरा लगेगा मुझे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो PC महालनोबिस, ठीक है, PC महालनोबिस, बाकी BKRV राव तो आप भूलेगा नहीं ना, राष्ट्रीय आय की गणना करने वैज्ञानिक विधि से गणना इन्होंने किया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था, तो हरित क्रांति अगर आप टाइम भी आपको पता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, तो याद रखो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों हरित क्रांति आई थी, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, भारत में, सॉरी पाँचवीं नहीं यार, चौथी होगा ना, 65 से 70, ठीक है, चौथी याद करो, गलती हो गया यार, बोल भी नहीं रहे हो, बोलोगे क्या, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो चौथी योजना आई थी उसके दौरान जो हरित क्रांति आया था। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसके अंतर्गत दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा, तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा पंचवर्षीय योजना के ऊपर बहुत शॉर्टकट में, ताकि आप चीज़ों को याद कर लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सबसे उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में जो हासिल किया गया, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 से लेकर 12 तक चली, जो अभी हाल ही में समाप्त हुई है फिलहाल इस समय, तो अभी समाप्त 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना भी समाप्त हो गई, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, और इसमें जो है जो लक्ष्य रखा गया था उस वहाँ तक लगभग पहुँचा गया, जैसे 8.4 लक्षित किया गया था, 7.9 हमारी स्पीड थी, 7.9 बहुत होता है यार ग्रोथ रेट, 7.9 ग्रोथ रेट बहुत होता है, अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, और इस दौरान दोस्तों कृषि का ग्रोथ रेट भी कितना था, 3.5% था 11वीं में, उद्योग भी जो है 8% की रेट से बढ़ रहे थे, सेवा क्षेत्र तो 8.9% की रेट से बढ़ रहे थे, घरेलू उत्पाद में भी 8% की वृद्धि थी, तो ओवरऑल हम हर जगह पे लगभग 8% पे पहुँचे थे। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, 1950 में, प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था, 1950 में। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दिया गया, ये भी मैं आपको GS के डोज में पढ़ा चुका हूँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का विचार आया कि यही हमारे क्या है, उद्योग हमारे ही मंदिर हैं, ठीक है, और जब तक उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक, भारी उद्योगों का विकास नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, भारत का मंदिर इन्होंने कहा था। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है, सबसे ज़्यादा निर्यात इंग्लैंड को किया जाता है, किसको, इंग्लैंड को, चमड़े का। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है, सबसे ज़्यादा सामान भारत कहाँ से आयात करता है, तो ओपेक कंट्री से। ओपेक कंट्री का फुल फॉर्म क्या होता है, ओ माने होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं पेट्रोलियम,
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक कंट्री में दोस्तों कुल 14 देशों को शामिल किया जाता है, पूरे के पूरे अरब कंट्री हैं और कुछ यूरोप के भी देश हैं और कुछ दक्षिणी अमेरिका के भी देश हैं, ठीक है, और कुछ आपके उसमें जो है आपके अफ्रीका के भी देश हैं, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, और आपका हो गया ये यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, ये सब जो देश हैं, लीबिया, ये सब जो देश हैं, वेनेजुएला हो गया दक्षिण अमेरिका का, ये सब ओपेक के साथ हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ से तेल खरीदते हैं भाई, पेट्रोल डीजल ये सब तो खरीदना पड़ेगा ना, आयात करना पड़ेगा ना, कितना उत्पादन हम कर लेंगे, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा आयात यहाँ से होता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय किया जाता है, तो वही पेट्रोलियम पदार्थ मंगाने पर सबसे ज़्यादा हमारा व्यय होता है। किस वर्ष विदेशी विनिमय प्रबंध फेमा जो है वो प्रभावित हुआ, तो सन 1999 में एक्ट आया था और सन 2000 में दोस्तों ये प्रभावित हो गया था, हालांकि कुछ जगह पे 2003 दिया है, मुझे नहीं समझ में आता क्यों, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, देखो अगर कुछ देशों का एक समूह है उनके साथ आप व्यापार कर रहे हो, जैसे ओपेक को ही उठा लो या G7 उठा लो, G8 उठा लो, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह को इनको बोला जाता है ट्रेड वेंचर्स, क्या बोला जाता है, ट्रेड वेंचर्स। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है, निर्धनता के अनुमानों से, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निर्धनता के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये बना था दोस्तों 2008 में, अपना रिपोर्ट दिया था इन्होंने, ठीक है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ये निर्धनता से संबंधित है। बाकी विजय केलकर पूछ रहा है तो जान लीजिए प्राकृतिक गैस से संबंधित है, हालांकि आगे चल के अगर आपको खाली केलकर समिति पूछे कभी आपसे तो ये टैक्स से संबंधित है, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से संबंधित कौन सी कमेटी है, तो केलकर समिति। और एसपी गुप्ता जो समिति था दोस्तों, एसपी गुप्ता जो था ये वो क्या था आपके, स्मॉल इंडस्ट्रीज होते हैं मतलब लघु और सूक्ष्म उद्योगों से संबंधित था, ठीक है, उनके लिए बनाया गया था। बाकी लकड़वाला समिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लकड़वाला समिति भी दोस्तों गरीबी से संबंधित था, ठीक है, लकड़वाला भी किससे संबंधित था, गरीबी से। तो अब देखो ये दोनों ऑप्शन दे दिया आपका गरीबी गरीबी का, तो यहाँ पे फिलहाल जो सही ऑप्शन है, क्योंकि लकड़वाला बहुत पुरानी समिति थी, बहुत पहले बनाया गया था, टाइमिंग मुझे याद नहीं यार एक्यूरेट, और इसके भी पहले एक सबसे पहली जो कमेटी बनाई गई थी निर्धनता के लिए, ठीक है, वो बनाई गई थी अलख कमेटी, अलख कमेटी, ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे लकड़वाला और तीसरे नंबर पे सुरेश तेंदुलकर, तो सुरेश तेंदुलकर ने ही चल के आगे चल के वो पॉवर्टी लाइन वगैरह डिसाइड किया, ठीक है। नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से, नरसिंहम रिपोर्ट, तो ये बैंकिंग संस्थान से संबंधित है नरसिंहम रिपोर्ट। अच्छा बीमा में याद रखें मल्होत्रा कमेटी बहुत फेमस है बीमा के लिए। बाकी आयकर के लिए मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या थे आपके, कौन सी कमेटी, विजय केलकर, मतलब केलकर कमेटी। सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित टैक्स वैट को लागू किया गया, तो वैट सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ था, ठीक है, वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, हरियाणा में। अभी वैट से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि वैट को हटा के अब तो GST आ गया, तो GST से प्रश्न बनेगा। आइए GST के बारे में कुछ बताता हूँ। GST का जो विधेयक सबसे पहले पारित किया गया था कौन से राज्य में पारित हुआ, GST बिल, तो याद रखिए असम ने सबसे पहले GST बिल को पारित किया था। GST बिल का सुझाव किसने दिया था, तो वही विजय केलकर, जो ऊपर हमने पढ़ा है विजय केलकर, उन्होंने सबसे पहले इस बिल का GST के बारे में सुझाव दिया। हाँ एक चीज़ और है, GST बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था, GST बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखिए असीम दास गुप्ता, ये नोट कर लीजिए, ये GST से संबंधित बहुत टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, असीम दास गुप्ता ये जो थे GST बिल का प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, जबकि सुझाव किसने दिया था, तो आपके विजय केलकर ने दिया था। अच्छा एक दो चीज़ और बताऊँगा यहाँ पर, ये कहाँ से लिया गया है, सब ये कहाँ का मॉडल हमने कॉपी किया है, GST मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। GST मॉडल कहाँ का मॉडल है, कनाडा मॉडल से संबंधित है। और सबसे पहला देश बताइए जिसने GST लागू किया था, तो है फ्रांस, 1954 में फ्रांस ने GST लागू किया था, और हम अब लागू कर रहे हैं, हम कब लागू किए हैं, 1 जुलाई 2017, एक साल हो गया GST लागू हुए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, यहाँ पर GST परिषद है जो दोस्तों परिषद जो बनाई गई थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है, 33, और जो संविधान संशोधन हुआ था वो 122वां संविधान संशोधन था, लेकिन किसके तहत इसको नोट किया गया, तो 101वां संविधान संशोधन माना गया है, 122वां संविधान संशोधन बिल था और 101वां पे लागू हुआ, ठीक है। अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, देखो क्या होता है, जैसे जब कोई नया नियम आता है तो उसको बना, जैसे इस पे फाइल पे हमने नंबर डाल दिया 101, 102 और फाइल आए 103, ऐसे फाइल आती गई, तो जो GST की फाइल थी वो उस पे क्या लिखा था, उस पे लिखा था फाइल नंबर 122, ठीक है। अब मान लो 100 तक संशोधन हमारे संविधान में हो चुके थे, तो बाकी इधर के 2 से लेके 21 तक में जो है कोई भी फाइल पास नहीं हुई, 122वीं वाली फाइल जो है पास हुई और उसको हमने नाम दिया 101वां संविधान संशोधन,
समझ रहे हो, तो ये याद रखो ये बात है। अच्छा, इसको संविधान में कहाँ पे जगह दिया गया है, तो 279A में जगह दिया गया है। कहाँ पर? जीएसटी बिल से संबंधित जो है हमारे यहाँ जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, वो क्या है, तो 279A है ना, इम्पॉर्टेंट याद रखो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना को आरंभ किया, तो मिड डे मील स्टार्ट किया था, मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील, ये 1995 में चालू किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो नियमित रूप से बच्चे स्कूल जाएं और उसको प्रेरित करने के लिए उन्होंने ऐसी योजना चालू किया था, मिड डे मील, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसने अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया, अपना वन अपना धन, तो ये योजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू किया गया, किसके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है, अपना वन अपना धन। अच्छा आगे देखिए, कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी दूर करने हेतु था, तो ये तीनों का तीनों कार्यक्रम जो है ये गरीबी दूर करने हेतु था। चलिए आइए बताता हूँ डिटेल में आपको, ट्राईसेम जो दिया, ये ट्राईसेम क्या था, तो पहले ट्राईसेम का फुल फॉर्म जान लो, खुद ही समझ में आएगा। टी फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ रूरल, ठीक है, रूरल माने होता है ग्रामीण, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, वाई फॉर यूथ, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये आया था दोस्तों 1979 में सबसे पहले, गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले योजना आई, ठीक है 1979 में। ठीक एक साल बाद एक और योजना आई 1980 में, 2 अक्टूबर के दिन एक योजना आई, IRDP, मतलब आई फॉर इंटीग्रेटेड, आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब आया, ये 1980 में आया, ठीक है, गरीबी दूर करने के लिए ही, ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, लोग गरीब से क्या हो, अमीर बन सके। आगे आया NREP, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, पी फॉर प्रोग्राम, ठीक है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना, रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार योजना का नाम सुने हो ना, वही है NREP, ठीक है। ये कब आया था, तो ये आया था दोस्तों 1980 में, इसके लिए अधिनियम आया था और 81 में लागू हुआ था, तो 81 याद रखिए, तो 79 में आपका क्या होगा, ट्राईसेम, ठीक है, 80 में आपका होगा ERDP और 81 में आपका क्या होगा, NREP, याद रखिएगा। भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो उड़ीसा में दोस्तों गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, गोवा की, गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिज्म है का विकास है, तो वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत ज़्यादा है। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन, तो ये काम तो कौन निभाएगा, ये काम करने का काम करता है CSO, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है, तो अभी मैंने पीछे बताया था निवेश विधि, निवेश विधि मतलब होता है उत्पादन विधि, निवेश विधि, आय व्यय, ठीक है, सॉरी गलती, यहाँ पे देखिए निवेश विधि कोई विधि नहीं होती, मूल्यवर्धित विधि क्या होती है, ये आपका उत्पादन संबंधित होता है, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट से किसी का आय थोड़े माप सकते हो आप, ठीक है, तो सी आपका ऑप्शन जो है वो होगा सही। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियाँ निम्न में से किसकी GDP का हिस्सा है, तो यार जब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में पकड़ी गई मछलियाँ हैं तो बताइए, तो जिस देश के मछुआरे होंगे, अगर भारतीय मछुआरे हैं तो भारत का हिस्सा है, श्रीलंका के मछुआरे हैं तो श्रीलंका का हिस्सा होगा, जहाँ के मछुआरे होंगे उनका इनकम होगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, बताइए, ये सब दोस्तों मैं आपको डिटेल में कब पढ़ाऊंगा, जब आपको इकोनॉमिक्स में आऊँगा। ब्याज दरों में कमी के माध्यम से हम किसी भी तरह से मुद्रा स्फीति नहीं कर सकते दोस्तों, बताओ मुद्रा स्फीति क्या, मतलब महंगाई आ गया, महंगाई मतलब आदमी के जेब में पैसा नहीं है, महंगाई मतलब क्या, आदमी की जेब में पैसा नहीं है यार, एक सेकंड रुक जाइए, महंगाई मतलब क्या, महंगाई मतलब व्यक्ति के जेब में, देखें चल रहा है कि नहीं चल रहा है, व्यक्ति के जेब में पैसे नहीं है यार, एक तरफ व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं है, दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि अगर RBI ब्याज दर में कमी कर भी देगी, ठीक है, बैंक अपने ब्याज दर में कमी कर भी देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, यार ब्याज दर का महंगाई से कोई लेना देना नहीं होता है, ये फालतू का चीज दिया है, ठीक है। बुल एंड बियर का संबंध किससे है, तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है, बुल एंड बियर, जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बुल बिया जाता है, बुल और बियर, ठीक है, याद रखिए, इसको तेजड़िया और मंदड़िया भी बोला जाता है, जब तेजी आता है तो तेजड़िया, जब धीमी होता है मार्केट गिरता है तो उसको मंदड़िया बोला जाता है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, कागजी नोट मुद्रा, तो ये RBI के पास है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है, बताइए किसको माना जाता है,
क्वेश्चन नंबर 90 ध्यान से दीजिए। ये मुद्रा के क्रय शक्ति, वेतन हमेशा किससे संबंधित होता है दोस्तों, क्रय शक्ति से, क्योंकि जो पैसा होता है ना उसमें क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति मतलब आप उससे कुछ भी परचेज कर सकते हो, परचेज पावर ऑफ मनी। समझाऊंगा, ये सब इकोनॉमिक्स के टर्म है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो RRB 1975, इसी ने तो किसान क्लब बनाया था। फेडरल रिजर्व बैंक ये कहाँ की एक वित्तीय संस्था है, तो अमेरिका की संस्था है, जैसे हमारे यहाँ RBI है वैसे फेडरल रिजर्व बैंक वहाँ पे है। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, बताइए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। वही फिक्स डिपॉजिट, हर बैंक चाहते हैं भैया आके हमारे यहाँ FD कर दो, FD बहुत अच्छा होता है। बैंक सोचते हैं कि लोग हमारे यहाँ FD आए। सोचो जैसे मैं आपको कह दूँ कि आप बैंक हो, आप क्या चाहोगे, कोई आपके यहाँ 1,00,000 हाई FD रख जाए, 10 साल बाद आएगा देख लिया जाएगा, 10 साल बाद जो होगा देखा जाएगा, आज पहले मिल जाए 1,00,000 रुपया, है कि नहीं। तो FD के पीछे सब भागते हैं, सबसे महत्वपूर्ण घटक है। संपूर्ण देश में मुद्रा स्फीति के नियंत्रण के लिए RBI निम्न में से क्या उपाय करता है, तो बहुत सारा उपाय करता है। फिलहाल यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है कि रेपो और रिवर्स रेपो दर को बढ़ा देता है। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये तो मैं बता ही देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, बैंक जो होते हैं इनको रोजमर्रा के काम के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, इधर उधर ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो कभी कभार क्या होते हैं कि अगर ट्रांजेक्शन के दौरान इनकी लिमिट जो है ख़त्म हो जाए तो ये रात भर पैसा इनके पास जमा रहता है। जैसे जो बैंक दिन भर काम किया है, दिन भर पैसा आया है, तो रात भर पैसा क्या होता है उस बैंक में जमा रहता है, और ये अपने रोजमर्रा के काम के लिए उस रात भर के एक रात के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर लेते हैं। केवल वैलिडिटी कितने टाइम, ओनली 1 नाइट, ठीक है, केवल एक रात के लिए काम करते हैं, और उस एक रात के ऊपर भी RBI ब्याज लगा देता है, उस एक रात के ऊपर भी RBI ब्याज लगा देता है, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रेपो रेट, ठीक है। लेकिन अगर वही एक्स्ट्रा पैसा है उनको उस पैसे का कोई इस्तेमाल न करना हो तो वहाँ पे RBI उनको उस बदले में ब्याज भी देता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। हो सकता है कि ना समझ में आए क्योंकि 1-2 मिनट में अली टॉपिक नहीं है, थोड़ा समय लगेगा समझाने में, ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार कौन सा है, तो मुंबई को माना जाता है। सबसे बड़ा शेयर बाज़ार भारत का कौन सा है, मुंबई, सेंसेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और निफ्टी कहाँ पर है, तो दिल्ली उसका है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग से संबंधित सुधारों संबंधित है, नर्सिंग होम कमेटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, मोनाजाइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरल में। निम्नलिखित में से किस देश की सहायता से कुडनकुलम परमाणु परियोजना पावर परियोजना स्टार्ट किया था, कुडनकुलम, तो दोस्तों ये रूस के सहयोग से स्टार्ट हुआ था, रूस बहुत साथ दिया रूस ने हमारा। कुडनकुलम कहाँ पे है, तो आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। लघु उद्योग के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने की जो अधिकतम सीमा है वो कितना निर्धारित किया गया है, तो 1 करोड़ रुपया। लघु उद्योग के लिए अधिकतम सीमा कितनी, 1 करोड़। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है, तो सब कुछ स्थित रहेगा लेकिन पूंजी दोस्तों कैपिटल जो है बहुत गतिशील कारक माना जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आज इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। और देखिए इकोनॉमिक्स बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इकोनॉमिक्स, मतलब 2-3 दिन में शुरू होने वाला है क्योंकि हम लोग NCERT को शुरू करेंगे, 9, 10, 11, 12, तो 4 क्लास की NCERT अगर आपने पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। तो साथ दीजिएगा आप हमारा, बाकी NCERT जो पढ़ाई जा रही है आपको उसको डिटेल में पढ़ते चलिए। और एक आवश्यक न्यूज़ है दोस्तों कि अगर आपके चैनल पर किसी भी तरह का ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को स्किप मत किया करें दोस्तों, सिर्फ आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ उस ऐड को स्किप ना करें, ठीक है, ना करें प्लीज़ दोस्तों, उस ऐड को स्किप ना करें, आपसे विनम्र निवेदन है। बाकी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, पर्याप्त मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं समय समय पर, ठीक है। जो जितना भी समय मुझे मिलता है देखिए मैं इसी में लगा रहता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा करूँ, कुछ बेस्ट करूँ जो आपके एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो। तो डीप पढ़िए, ठीक है, ऊपर ऊपर पढ़ के भागने का कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करने आए हो ईमानदारी से पढ़ाई करो, 6 महीना साल भर बैठ के पढ़ाई करो अच्छे से, 6-7 घंटा 8 घंटा टेबल लेके लगा के बैठो। एग्ज़ाम न क्वालिफाई हो तो बताना यार, एग्ज़ाम की मजा ना क्वालिफाई होगा, लंदन से पेपर बन के आएगा क्या, लंदन भी तो पता है टेंशन दिख किनारे है कहाँ से आएगा पेपर बन के, बनाने तो जो जहाँ से पेपर बनाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्यों, अगर आपके पास ज्ञान है तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। कोई पेपर बनाता है, कोई कंप्यूटर पे एग्ज़ाम लेता है, कोई आपको उल्टा टांग के एग्ज़ाम ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको कोई उल्टा लटका देगा तो भूल जाऊंगा क्या कि जर्मनी में राइन नदी है, हाँ भूल जाऊंगा, नहीं भूलूंगा, वो याद रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी करंट अफेयर्स और GS के क्वेश्चन के लिए आप हमारे नए चैनल पर विजिट करिए, इसका नाम है एग्ज़ाम ट्रेंड्स। और मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों एक कमाल का चैनल हमारे पास है, 4G मैथ चैनल, ठीक है, एक नंबर का चैनल, आप विजिट करो, देखो वहाँ क्वेश्चन सिखाया कैसे जाता है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको पढ़ के। तो एक बार आप विजिट करके देखो, बाकी यार चैनल को शेयर करो यार। और पता नहीं क्यों 2,500-3,000 चलता है NCERT, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ और इतने धीरे धीरे इसका वो हो रहा है। तो प्लीज़ आपका अगर किसी सोशल मीडिया से जुड़े हो तो वहाँ पे शेयर करो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।